नारायण नारायण। 5 मार्च, आज का विषय, ईश्वर का नाम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। विश्व में पूर्णतया सत्य अस्तित्व एक ही होगा, उसी को हम भगवान कहते हैं। भगवान अति सूक्ष्म है, इसीलिए मनुष्य का विचार उसके पास पहुंच नहीं पाता। मनुष्य का विचार शब्द रूप है, इसीलिए विचारों का आधार लेकर भगवान की कल्पना शब्दों के सहारे, शब्दों के साधन से ही हो सकती है। संत इसी को नाम कहते हैं। जिस अंतःकरण में नाम है, अर्थात जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम, आसक्ति, बुद्धि भाव, श्रद्धा है, वही भगवान प्रकट होकर दिखाई देते हैं। भगवान के बारे में आस्तिक बुद्धि का मतलब है स्वयं के बारे में नास्तिक बुद्धि। जिस प्रकार एक ही म्यान में दो तलवारें समा नहीं सकती, उसी प्रकार भगवान और अहंकार एक अंतःकरण में समा नहीं सकते। संत भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करने का मतलब है अपना अहंकार कम करना। नाम स्मरण के प्रति रुचि निर्माण हुई तो कर्ता भावना का अभिमान कम होता है। भगवान ही सभी बातों का कर्ता धरता है। यह भावना दृढ़ होने पर अपनी निजी इच्छा बचती ही नहीं। यहाँ इच्छा नहीं, वहाँ यथापयश का महत्व नहीं रहता। अपने जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं भगवान की इच्छा से घटती है। ऐसी मनस्थिति दृढ़ हो गई तो समझना चाहिए कि उसे भगवान का अस्तित्व सही अर्थ में समझ आ गया। कभी सुख तो कभी दुख, कभी सफलता तो कभी विफलता, यह तो गृहस्थी का धर्म ही है। मेरा अस्तित्व सत्य नहीं, भगवान का अस्तित्व ही सत्य है, यह करने के लिए भी मैं का भाव नहीं बचता। असल में यही पूर्णावस्था है। यहाँ मैं उसे जानता हूँ, यह भी संभव नहीं हो पाता। संत की पहचान के लिए और उससे भेंट होने के लिए भगवान का नाम स्मरण करना जरूरी है। नाम स्मरण करते समय सदाचार का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नीति की सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कभी निराश नहीं होना चाहिए। शरीर को अकारण कष्ट नहीं देने चाहिए। किसी भी हालत में नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। कर्तव्य करने पर कुछ न कुछ तो उसका फल मिलने वाला ही है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि कर्तव्य का फल प्रारब्ध पर निर्भर होता है, अतः जो भी फल मिलेगा उस पर संतोष मानना चाहिए। और भी एक बात महत्वपूर्ण है, भगवान की सत्ता सर्वत्र है, उसी के इशारे से सब सूत्र संचालित होते हैं, इसीलिए नसीब भी उसी की सत्ता के अधीन है। नाम स्मरण करने का मतलब है सर्वस्व समर्पित करना। बड़ा अधिकारी अपने हस्ताक्षर की मुहर बनाता है। वह मुहर जिसके हाथ में होती है, वह आदमी उस मुहर से उतना ही काम करा लेता है जितना साहब स्वयं काम करते हैं। जब यह जैसे व्यवहार में होता है, बस वैसे ही भगवान के बारे में भी सत्य है। जो काम भगवान स्वयं कर सकता है, वही काम उसका नाम करता है। भगवान का नाम एक बार दृढ़ हो गया तो कोई बाधा नहीं आ सकती। नारायण नारायण।